जल की बूंद बूंद बचाने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम सरकार द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से चलाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जल माफियों और अवैध वॉशिंग सेंटर्स के चलते जल स्तर बड़ी ही तेजी से घटता जा रहा है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के रिहायशी इलाकों में कई वॉशिंग सेंटर्स अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारी टीम ने अभी एनआईटी क्षेत्र का दौरा किया तो वैष्णो देवी मंदिर के सामने वाली गलियों में करीब आधा दर्जन वॉशिंग सेंटर्स गाड़ियां धोने का काम करती दिखाई दी। वहीं सड़कों पर जमा पानी को देखकर आप समझ सकते हैं कि रोजाना कितना पानी बर्बाद होता है। जब इन वॉशिंग सेंटर्स के मालिकों से बातचीत की गई तो उन्होंने तरह तरह के बहाने कैमरे के सामने बनाए। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा हमारा कोई पानी की वेस्ट नहीं करते हम जी। लोगों का 50 रुपए महीना है, हमारा 1000 रुपए महीना है, कमर्शियल बिल भेजते हम। अच्छा, कमर्शियल की रसीद भी हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, दुकान भी कमर्शियल है, बिजली भी कमर्शियल है और पानी भी कमर्शियल यूज करें हम। ठीक है, और ये एनआईटी का मतलब एरिया है जहाँ भी आप काम कर सकते हैं दुकान पे। ठीक है, वॉशिंग सेंटर के लिए आपको परमिशन मिली हुई है? परमिशन नहीं, वहाँ से कमर्शियल नहीं आओगे। कमर्शियल आते वॉशिंग सेंटर हमारे पास, यहाँ पे वॉशिंग सेंटर, यहाँ पे हम शिफ्ट होके अब तो चले गए। एमसीएम पूरा रिकॉर्ड है हमारा, एमसीएम ने वहाँ पर आपको छोटी दे रखी है, फिर भी आप यहाँ पे वहाँ से एमसीएम ने बंद करा दी रखी, राजगीत एम से। अच्छा, तुलवा दी उन्होंने, कब दोबारा फिर हम यहाँ ऑफिसर पे आए हैं। भैया 1000 रुपये महीना पानी का बिल भरते हैं, हम कमर्शियल बिल देते हैं 1000 रुपये महीना, लोगों का 50 है, हमारा 1000 रुपये महीना मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, जिस तरह से यहाँ पर जल दोहन किया जा रहा है अवैध रूप से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया इस टाइम तो हम आपको क्या बताएं, मेरे लिए मजबूरी, मेरी उम्र 62 साल के करीब है और छोटे छोटे बच्चे और 10 बच्चे और पाल रहा हूँ, फैमिली पाल रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, देखिए काम तो हर क्यों कर रहे हैं, हर के बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन लोगों को घरों में पानी पीने को नहीं मिल रहा, यहाँ पर वही जल दो किया जा रहा है। भैया मैंने उनको क्या कहा कि मैंने आ जाओ, मेरा कनेक्शन काट रहा, मैं प्राइवेट पानी मंगाऊंगा और ना कनेक्शन करूँगा। कितने कनेक्शन है पानी के आपके पास? मेरा एक ही कनेक्शन है। एक ही कनेक्शन है। हाँ जी, तो सप्लाई का पानी आ रहा सारा? हाँ जी, सप्लाई का आ रहा है। मैंने बार बार ये पुलिस उनको बोला तो मेरा आप कनेक्शन काट दो, मैं बाहर टैंकर से पानी मंगा सकता हूँ, मेरी हिम्मत है, क्योंकि मैं तो 12 लड़के हूँ और पढ़ रहा हूँ, परिवार पढ़ रहा हूँ, एक अपना परिवार पढ़ रहा हूँ। और आज से नहीं, आज से नहीं, और 1000 रुपये महीने का मैं दे रहा हूँ, 1000 रुपये पर महीना के दे रहा हूँ मैं रसीद आज पानी के लिए, मैं रसीद है आपको रसीद दिखा देता हूँ। नहीं वो 9% दे रहा हूँ भैया, जो हॉस्टल जाता है दुकान कटे जाते वो देना, वो तो ये ना जी ना ना, ऐसा कोई बात घर हमारा ही है और कहाँ पढ़ रहे हैं, एक दुकान से 50 बंदे पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको परमिशन नहीं है ना तरह से पानी आप हमें नलका का बिल जो 60 रुपए घर का आता है, 1000 रुपए बिल दे रहे हैं महीने का, पर मंथ का बिल तो वो तो दोगे तो क्या, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं, लेकिन है तो अवैध। आप बताओ क्या करें, बताओ बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं ये बताओ, 30 साल का ही काम कर रहा है, दूसरा काम तो हमारा होगा नहीं, तो परमिशन ले सकते हैं नगर निगम, परमिशन यही 1000 रुपए महीना बिल दे रहे हो तो परमिशन नहीं हमारे, हल्के का बिल तो 60 रुपए आता है, 1000 रुपए। तीन दुकानें खुली अब खुल गई हैं, उनका क्या होगा? वहीं से आ रहे थे, उनका भी करके आ रहे, ये बताओ ना उनका भी करके आ रहे हैं। हम तो अपने घर में बैठे आज 30 साल बिजनेस चलाया, बच्चे पाल रहे हैं, हम लोग उनका भी कवर करके आप करो, करो आप तो हक है, आपका पूरा हक है, आपका पूरा हक है, आप करो, आपका पूरा हक है, करो। तो आपने देखा कि किस तरह से अवैध रूप से यहाँ वॉशिंग सेंटर्स पानी को बर्बाद कर रही हैं, वहीं नगर निगम को 1000 रुपए देने की बात कह रही हैं। इस मामले को लेकर हमारी टीम नगर निगम के वाटर सप्लाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से इस मामले पर बात करने पहुंची। सर, जिस तरीके से वॉशिंग सेंटर चल रहे हैं रिहायशी इलाकों में, उनको कितनी मान्यता है और क्या वो किसी तरह के पर्ची भी काटते कटवाते हैं, कितना सही है और कितना जायज है नाजायज है? देखिए, अगर हमारे अगर किसी ने डोमेस्टिक कनेक्शन लिया है और कॉमर्शियली यूज़ कर रहा है, वो भी गैरकानूनी, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और हम समय समय पे कार्रवाई करते रहते हैं। अभी लॉकडाउन के पीरियड में भी जो हमें मिले थे जून जुलाई में, हमने 8-10 के जो सर्विस सेंटरों के कनेक्शन काटे थे, जनरली बंद थे, और ये हम ड्राइव चलाते रहते हैं। अब भी इस समय भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन की संयुक्त टीमें जी इनके अबोध अवैध बोरवेल और आरओ के कनेक्शन काटने में संलग्न है। अब भी
हमने ये टीमें बना रखी है, और कहीं भी है अगर अवैध किसी ने कनेक्शन कर रखा है या अवैध दुरुपयोग कर रहा है पानी का, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, को पानी पीने को नहीं मिल रहा और लाखों लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल है, इसके इसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इनके कनेक्शन सर क्या चेतावनी देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो भी आप काम करें वो लीगली करें। अगर किसी को कोई अपना सर्विस स्टेशन लगाना है तो सर्विस स्टेशन के लाए कनेक्शन अप्लाई करें। नगर निगम देखेगी कि वो दिया जा सकता है कि नहीं। अगर नियम अनुसार होगा तो दे दिया जाएगा, अगर नियम अनुसार नहीं होगा तो हम कनेक्शन नहीं देंगे। सर कई लोग कह रहे हैं हम हजार हजार रुपये कटवा रहे हैं, ऐसी कोई पर्ची हालांकि नहीं, ऐसी कोई पर्ची नहीं है, ऐसी कोई पर्ची नहीं है कि हजार रुपये में किसी का अवैध पानी का कनेक्शन वैध हो जाए, ऐसी कोई हम पर्ची नहीं देंगे। तो आपने सुना कि एसी सुप्रीटेंडेंट साहब ने जल दोहन माफियाओं से लेकर वॉशिंग सेंटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। ऐसी खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।